स्पिन का प्रीमियम मिनरल वाटर के बारे में आपने सुना ही होगा। स्पिन का मिनरल वाटर इंडिया की 6 राज्यों में वितरित होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गोवा। स्पिन का अब नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। चलिए फिर जानते हैं कौन सा है ये नया प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में हर किसी को अच्छे न्यूट्रिशन के लिए दूध की जरूरत होती है, पर क्या आपको पता है आप कौन से प्रकार का दूध पीते हैं? दूध के दो प्रकार होते हैं। एक है A1 दूध जो विदेशी गायों से पाया जाता है और दूसरा है A2 दूध जो देसी गायों से पाया जाता है। हमारे पूर्वजों से बोला जाता है कि माँ के दूध के बाद सबसे आरोग्यदायी दूध देसी गायों का होता है। दूध में लगभग हर तरह के प्रोटीन और मिनरल विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध के प्रोटीन में 80% केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, मगर A2 दूध में केसिन प्रोटीन के साथ साथ एक खास प्रकार का एमिनो एसिड भी पाया जाता है, जिसे हम प्रोलीन कहते हैं। A1 गाय के दूध में एक अलग प्रकार का एमिनो एसिड होता है, जिसे हिस्टिडीन कहते हैं। A2 दूध में जो प्रोलीन मिलता है वो हमारे बॉडी में BCM7 को पहुंचने से रोकता है। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि BCM7 क्या है? BCM7 यानी कि बीटा कासोमोर्फिन 7, ये एक छोटा सा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में नहीं पचता, इससे अपचन हो सकता है। कई शोध से ये भी पता चला है कि और भी कई इस तरह की परेशानियां या बीमारियां हो सकती है। A2 दूध में जो प्रोलीन एमिनो एसिड होता है वो BCM7 को हमारे शरीर में जाने से रोकता है, मगर A1 गाय दूध प्रोलीन नहीं बनाती, तो इससे BCM7 हमारे शरीर में जा सकता है और ब्लड में भी धीरे धीरे घुल जाता है। A2 दूध में रिच न्यूट्रिशन वैल्यू पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जो हमारे शरीर को जरूरी होते हैं। वहीं A1 दूध में BCM7 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। A1 दूध के सेवन से मानव शरीर में अस्थमा, डायबिटीज, कार्डियो प्रॉब्लम, ओबेसिटी, मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगर A1 टाइप का दूध आप अपने बच्चों को देते हैं, तो कुछ रिसर्च के अनुसार BCM7 बच्चों के खून में पास हो जाता है और इससे ब्रेन से लेकर मांसपेशी के बीच में होने वाले विकास को भी रोकने की संभावना ये कर सकता है। ये रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल पेप्टाइडस में पब्लिश कराई गई है। लोगों के प्रति A2 दूध के बारे में जागरूकता निर्माण हो और लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए A2 दूध पीने की शुरुआत करें, इसलिए स्पिन का ये नया प्रयास है। चलिए स्पिन के मिल्किंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। हम पहले अपने गिर गायों को खुले में घास चरने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम दूध निकालते हैं। दूध निकालने के लिए हम अत्याधुनिक मिल्किंग पंप मशीन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि पंप मशीन गायों के लिए हानिकारक हो सकती है। हम सोचते हैं कि दूध निकालने के लिए पारंपरिक तरीका उत्तम तरीका है। फिर उस दूध को कूलिंग चिलर में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। उसके बाद दूध की क्वालिटी टेस्टिंग करके दूध को शीशे के बोतल में भरा जाता है और उस दूध को आपके घर तक पहुंचाया जाता है, जिससे आपको फ्रेश, फुल क्रीमी, अनप्रोसेस्ड दूध घर तक मिले। हम अपने गायों को कोई ग्रोथ हार्मोनल इंजेक्शन, जेंटलिक मैनिपुलेशन या ड्रग्स नहीं देते, जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। हम अपने गायों का 25% दूध उनके बच्चों को पिलाते हैं, बाकी का दूध आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं हैप्पी काउ इज हेल्दी काउ एंड हेल्दी काउ गिव्स हेल्दी मिल्क। स्पिन का आपके लिए और भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जैसे कि घी, बटर मिल्क, काउ डंग। आयुर्वेदा में गायों का घी एक फुल्ली न्यूट्रिशन, फैटी एसिड, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज से भरा है, जो एक वैदिक स्रोत माना जाता है। स्पिन का अपने घी एक वैदिक पौराणिक तरीके से बनाता है। हम 30 लीटर दूध से 1 लीटर वैदिक घी बनाते हैं। पहले तो हम फ्रेश 30 लीटर दूध निकालते हैं, फिर उसका एक मटके में दही जमाते हैं। जब दही जमकर तैयार हो जाए तो उसे बिलौना तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चर्न करके उसका मक्खन निकालते हैं। फिर मक्खन को एक मिट्टी के मटके में चूल्हे पे धीमी आंच पर रखा जाता है, जब तक कि घी बन नहीं जाता, और फिर घी को शीशे की बोतल में डालते हैं। स्पिन का A2 मिल्क है मिलावट से दूर, प्रोटीन से भरपूर।